आज 14 अक्टूबर इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली। भंडारी जी ने मुझसे विनती की थी कि 14 अक्टूबर को हमको भी यहाँ पे प्रोग्राम लेना है, लेकिन आज की जो स्थिति है, मैंने उनको कहा सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो उसी के याद में यहाँ पर प्रोग्राम लेने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है तो यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करो, वरना हम कर क्या रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को वहाँ दीक्षा ली, तो यहाँ पे हाथ जोड़ते थे आपका काम हो गया, हमारा काम सिर्फ हाथ जोड़ना है। यहीं पर बाबा साहब का कारवा हम लोगों ने रोक के रखा। आज भी लाखों लोग नागपुर में गए होंगे, नागपुर में जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है वहां पर जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करके घर पे लौट जाएंगे। रिजल्ट जीरो, 15 लाख 16 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हुआ काम उसको नमन करते और घर लौट जाते, खुद कुछ नहीं करते, खुद को कुछ नहीं करना है। यानी बाबा साहब आपने हमारे लिए जो किया वही तक है, हम कुछ नहीं करने वाले। और इसलिए आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को जो धर्म की दीक्षा ली 9 लाख लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे, 9 लाख लोग।